मायापुरी चौक की तरफ से आ रही मारुति वैन नंबर DL2C AH3570 में अचानक आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने नियंत्रित किया। रमेश नगर बी ब्लॉक डबल स्टोरी एवं राजौरी गार्डन बी ब्लॉक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान BS डंग एवं उनकी टीम द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम B11 डबल स्टोरी रमेश नगर निकट मदर डेरी के पास रखा गया, जिसमें कीर्ति नगर थाना के नव नियुक्त SHO विजय कुमार सिंह एवं एडिशनल SHO सूर्य प्रकाश, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष वीना विरमानी भी शरीक हुई होली मिलन कार्यक्रम में। हरियाणा के गुरुग्राम के कादरपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 80वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि देश का नेतृत्व आतंकवाद के किसी भी कृत्य और इसे बढ़ावा देने वाले लोगों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। देश भर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्राधिकरणों की ओर से प्रभावी कदम न उठाए जाने और ठोस कार्य योजना न होने पर NGT ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने राजधानी के अस्पतालों में एंटी रेबीज टीका उपलब्ध न होने के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ED ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया है। ED का कहना है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत दी जाए, क्योंकि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे। कर्नाटक के धारवाड़ में एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। निर्माणाधीन इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना पर प्रशासनिक टीम और बचाव दल मौके पर पहुंचे। होली के दिन हुड़दंग करने वाले वाहन चालकों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने हुड़दंगियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि होली के दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं की जाएगी। प्रमोद सावंत को सोमवार देर शाम गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी पार्टी BJP ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 18 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना आज जारी कर दी। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। परावर्तन निदेशालय ने आज कहा कि उसने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में जम्मू कश्मीर में 13 संपत्तियां जब्त की। भाजपा सरकार के विकास के रिपोर्ट कार्ड के दावों को खोखला बताते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कहा कि जमीनी वास्तविकता बिल्कुल अलग है, और जहां तक भाजपा पिछले 70 साल की बात करती है तो इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।